हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आइए क्लास 10 का चैप्टर 3.5 का एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल दो लीनियर इक्वेशन है जिनमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, और सवाल में दिया है कि इसको दो अलग अलग विधियों से करना है, वज्र गुणनफल विधि से और विस्थापन विधि से। तो हमने पिछले वीडियो में उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणन की विधि से किया था, और आज हम देख लेते हैं उसे विस्थापन विधि के द्वारा करके। सवाल था कि 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, 4 है। मैं क्या करूँगा इसमें से कि इस दूसरे इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल करके उसको पहले इक्वेशन में रख दूंगा, तो उससे मुझे y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो वापस मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, 2y का इस साइड से इस साइड पक्षांतर कर दूंगा। फर्दर मैं दोनों साइड 3 से भाग दूंगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाई 3। अब इस x की वैल्यू मैं पहले इक्वेशन में रख लूँगा, मैंने पहले इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिख लिया, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, इसमें मैं x की वैल्यू रख दूंगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3 है, x की जगह मैंने लिख दिया 8 ब्रैकेट जो चीज़ें यहाँ x के बराबर थी, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है, तो मैं क्या करूँगा दोनों साइड में, दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। तो ये अंश जो है, ये भाग जो है, इसमें 3 हट जाएगा, 3 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 3 से साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो 9×8 = 27 हो जाएगा। फर्दर मैं ये ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ब्रैकेट के अंदर 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8×32 हो जाएगा, और 8×2 = 16y प्लस 15y इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो 32 माइनस वाई इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको 32 को मैं पक्षांतर कर दूँगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 27 माइनस 32 हो जाएगा, मतलब -5 आ जाएगा, इस साइड भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, कट जाने के बाद वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो मैं एक्स की वैल्यू जो निकाली थी पहले, एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट में 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3, इसमें मैं वाई की वैल्यू रख दूंगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा वाई की जगह में, तो हो जाएगा ये एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 × 5 ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 5×2 = 10 हो जाएगा, 4 − 10 इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ये -2। तो टोटलिटी के लिए मैंने दोनों एक्स और वाई की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -2 और वाई इज इक्वल टू 5। आप इसे, मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से कि जो सवाल का जवाब आने के बाद इसको एक्स और वाई की वैल्यू जो है दोनों वहाँ पर इक्वेशंस में रख करके देख लें, और अन्यथा कई बार गलत हो जाता है, आर्थमेटिक मिस्टेक हो जाएंगी, आप पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। हम लोग भी भाई पिछले वीडियो में हमने देखा था इसको रख करके, यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 करने से हो जाएगा -16, और 5 यहाँ रख दूंगा तो हो जाएगा 25, -16 + 25 हो जाएगा 9, और x इज इक्वल टू -2 रखूँगा तो जाएगा -6, और 5 रखूँगा तो 5×2 = 10 हो जाएगा 4। इसका मतलब है हमारा जवाब सही है। आप हमेशा अपनी आदत रखिए कि लास्ट में क्वेश्चन में वापस जो मान हमको आपको प्राप्त हुए x और y की, उसको रख करके देख लें, उससे गलती कभी नहीं होगी। थैंक यू, मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो से मेरे चैनल के साथ बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।